हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम एजुकेशन जो सब्जेक्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की समझ। तो इसमें हम लोग जो है ऑलरेडी लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं बहुत सारे। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं इसमें, जैसे कि हमने यूनिट नंबर वन में लेसन नंबर वन, लेसन नंबर थर्ड हमने कम्प्लीट कर लिया है, लेसन नंबर टू मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत और विमर्श, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं लेसन नंबर टू को निकालने के बाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो लेसन नंबर टू आपका ये यहाँ पर आ चुका है, मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत और विमर्श। तो ये जो पूरा लेसन है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आने वाली है और क्या क्या चीज़ें आप जो है इसको पढ़ने के बाद समझ पाएंगे। पहला कि मानव विकास का अध्ययन करने के बाद में उसकी प्रासंगिकता और उसके उपलब्ध विमर्शों से आप परिचित होंगे, और मानव विकास से जितने भी संबंधित विवाद हैं उनको जान पाएंगे, और उसके जो उसके अंतर्गत जो अलग अलग नियम है उनको समझ पाएंगे, और जो शैक्षिक निहितार्थ है वो भी समझ पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि जो मानव विकास का अध्ययन करना मनोविज्ञान के सबसे दिलचस्प और आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। अगर हम मानव विकास की बात करते हैं कि मानव विकास की स्टडी करनी है, तो जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत सबसे दिलचस्प यानी कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो यही है। और अधिकांश शिक्षार्थियों को जब मनोविज्ञान की विषय वस्तु से जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो वह इस विषय उनके लिए अत्यधिक रुचिकर होते हैं। यानी कि उनको ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शिक्षार्थी जो है वो मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत अनुभवनात्मक संपर्कों में महसूस कर सकते हैं, और उसके अनुभव उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि एक व्यक्ति कैसे बढ़ता है और परिपक्व होता है। वह अपने अनुभवों द्वारा ये भी समझते हैं कि किस संस्कृति में वह एक संस्थान के रूप में कैसे काम करता है, कैसे विकास करता है और वो कैसे बड़ा होता है। इस प्रकार वह विकास के बारे में अपनी समझ भी विकसित करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स हैं आपके, जैसे प्रकृति बनाम पोषण। तो प्रकृति बनाम पोषण वाला जो हमारा पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि वृद्धि, विकास, पोषण और परिपक्वता को सामान्य जीवन में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन सभी का विशेष अर्थ है। यहाँ पर बोला गया है कि जो वृद्धि है, विकास है, पोषण है और परिपक्वता है, सभी चीज़ें जो है आगे बढ़ते हुए और किसी चीज़ के अंतर्गत वृद्धि को दिखाता है, परंतु यहाँ सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह पर है। सबकी विकास की प्रक्रिया में जो है अलग अलग चीज़ें मौजूद होती है, जैसे परिपक्वता उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाती है, तो अधिक जटिल गतिविधियों को संभव बनाती है, और मांसपेशियों में परिपक्वता तब भी हो रही होती है जब उनके वजन और लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होती। तो इसी प्रकार परिपक्वता का अभिप्राय उस आंतरिक और गुणात्मक क्रम से है जो कि स्वाभाविक रूप से और सहज रूप से होती है, तो काफ़ी हद तक अनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होती है, और परिपक्वता द्वारा बालक में होने वाले परिवर्तन किसी बाहरी तत्व का प्रभाव नहीं रहता है। तो यहाँ पर तो ये वर्ड हो गया आपका, जैसे वृद्धि है वो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि जिस तरीके से आप बता सकते हैं कि एक शारीरिक रूप में मात्रात्मक अगर हम उसको गुण करें, जैसे कि भाई हाइट बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें वृद्धि में आएगी। विकास क्या है, विकास जो है मनुष्य का जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर अलग है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इसके अंदर आपको समझ में आई गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर निरंतरता बनाम अनिरंतरता। अब निरंतरता का मतलब क्या है, मानव विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली यानी कि लगातार चलती रहती है, और मानव का जो विकास है वो अनिरंतरता के साथ होता है। मनुष्य की क्षमताओं का विकास जो अचानक शुरू होता है, फिर लगातार होता रहता है, और इन दोनों ही पक्षों को लेकर मनोवैज्ञानिकों के बीच में क्या रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई डिस्प्यूट बने रहते हैं। निष्पक्ष तौर पर देखा जाए तो एक बालक की कुछ क्षमताओं का विकास निरंतर होता है और कुछ क्षमताएं अचानक उसके जीवन में शुरू होती है। इसके लिए विशेष प्रयास या फिर अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको जो है इसमें प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। किशोरावस्था में आने वाले कुछ परिवर्तन जो है अनिरंतरता के नियम वाले होते हैं, जैसे प्रजनन की क्षमता का विकास। ऐसा नहीं है कि ये क्षमता पहले कम रही होगी और किशोरावस्था में आने के बाद में पूर्णतः विकसित हो जाती है। प्रजनन की क्षमता जो है किशोरावस्था के दौरान अनियंत्रता के साथ में आती है, और विशेष उम्र में पहुंचने के बाद अचानक से ये क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो सार्वभौमिक बनाम संदर्भगत। सार्वभौमिक यानी कि संपूर्ण सबके लिए। मानव विकास की जो संकल्पना को समझने के संदर्भ में विविध विवादों में एक महत्वपूर्ण विवाद विकास का सार्वभौमिक भी है। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो विकास को अव्यवस्थाओं के सिद्धांत के सापेक्ष उल्लेखित करते हैं, कि वे विकास की संकल्पना को सार्वभौमिकता के दायरे में समझते और व्याख्यित करते हैं।
इसका अर्थ यह नहीं है कि वो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को महत्वहीन मानते हैं, बल्कि उनका मानना यह है कि जो मनोवैज्ञानिक है वो विकास के कुछ निर्धारित स्वरूपों को सार्वभौमिक मानते हैं, फिर चाहे शारीरिक विकास की बात हो या संज्ञानात्मक विकास की बात हो। पियाजे एक ऐसे ही वैज्ञानिक है जिन्होंने संदर्भों के महत्व को स्वीकारते हुए भी विकास को कुछ सार्वभौमिक चरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है, जैसे कि पूर्व सक्रिय की अवस्था के बाद में ही बालक के विकास में ठोस सक्रिय की अवस्था अस्तित्व लेगी, और अर्थात सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव के बावजूद भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ठोस सक्रिय की अवस्था पूर्व सक्रिय की अवस्था से पहले अस्तित्व में नहीं आ सकती है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो मानव विकास के कुछ नियम बताए गए हैं। अब मानव विकास के कुछ नियम हैं, तो क्या मानव विकास में बालक की क्षमताओं का विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब सस्टेनेबल है, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से चलता रहता है, या फिर बालक जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक एकदम से पहुंचता है? विकास कैसे होता है? तो उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट है। विकास निश्चित दिशा में होता है। मनोवैज्ञानिक जो है उनका मानना गया है कि भाई उन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि पूर्व प्रसूति काल और जन्म उपरांत बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियम से होता है। मस्तकीय ओर होने वाला विकास, यानी कि मस्तकाभिमुखी नियम, और निकट से दूर का नियम, इन दोनों को विकासात्मक दिशा के नियम कहते हैं। ये दोनों के दोनों अलग हैं। अब मस्तकाभिमुखी नियम अनुसार जो है बालक का शारीरिक विकास जो है सिर से पैर की दिशा में होता है। इस नियम में पहले सिर की बनावट होती है, फिर धीरे धीरे सिर के कार्य में विकास होता है, और उसके बाद में जो नीचे का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो जो है आगे बनती है, और उसके बाद में पैरों की बनावट शुरू होती है। निकट से दूरी के नियम अनुसार बालक का शारीरिक विकास जो है शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर होता है। इस नियम के अनुसार बच्चे जो हैं पहले से बालक की रीढ़ की हड्डी का विकास होता, उसके बाद जो है उसके हाथ और बाजू और उंगलियां, इसके बाद में ये सब चीज़ें धीरे धीरे विकसित होती है। अब विकास अलग अलग दरों पर होता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल जो है विभिन्न बालकों के विकास का जो दर है वो अलग अलग होगा, बल्कि हम सब एक बालक के शारीरिक विकास को देखें तो उसका विकास भी समान दर पर नहीं हो रहा होता है। लगातार विकास लगातार होता रहता है, लेकिन इसकी गति सभी अवस्थाओं में एक समान नहीं होती। बालकों के विकास में व्यक्तित्व अंतर होता है। अब देखो, बालकों के विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, उनका विकास उनके व्यक्तित्व के अनुसार रूप होता है। वह सभी अपनी स्वाभाविक गति से ही विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि उनमें जो है अलग अलग भिन्नताएं देखी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक जो है वृद्धि और विकास के दृष्टिकोण से दूसरे बालक के समान रूप नहीं हो सकता। आपने अपने सहपाठियों में विभिन्न विकासात्मक दरों के उदाहरण देखे होंगे। कुछ छात्र अपनी सोच और सामाजिक संबंधों में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो कुछ सामाजिक संबंधों में इतने अच्छे नहीं होंगे। फिर आता है विकास पूर्व अनुमति अनुमानित है। विकास जो है वो पूर्व अनुमानित है, पहले से ही उसको जो है अनुमानित किया गया है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विकास जो है पहले से ही पूर्व अनुमानित है, और बालक के विकास को लेकर भविष्यवाणी की जा सकती है। आजकल तकनीक द्वारा भी हम ये सब देख सकते हैं कि वर्तमान में कैसे दिखते हैं और 60 वर्ष की आयु में हम कैसे दिखेंगे, तो ये परिवर्तन भी यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे चलकर जो है उसका बुद्धि स्तर कितना होगा, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर आजकल हम लोग जो है देख सकते हैं। विकास निरंतर है, तो निरंतरता का नियम बताता है कि विकास सदा चलने वाली प्रक्रिया है। बालक का विकास जो है बिल्कुल हमेशा चलता रहता है, वह रुकता नहीं है, और एक बालक के विकास की प्रक्रिया उसके गर्भधारण से शुरू हो जाती है और मरते दम तक चलती रहती है। ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया है या फिर क्रामिक है, तो ये विविध है कि विकास की गति सभी बालकों में एक समान नहीं होती, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके बावजूद भी विकास के क्रम में एकरूपता के लक्षण को देखा जा सकता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि विकास क्रमिक या क्रमबद्ध है। अब जो विकास है वो क्या है, वो क्रमिक है या फिर क्रमबद्ध है, यानी कि धीरे धीरे क्रम के अनुसार चलता है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो फिर वो पशु हो या मानव हो, विकास की एक पद्धति का अनुसरण करते हैं, और मानव तौर पर यह पैटर्न सभी व्यक्तियों के लिए समान होता है। और ये जो विकास की प्रक्रिया है वो सबके लिए बिल्कुल एक जैसी है। हम एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों के विकास क्रम में एक जैसी समानता विशेषताओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अब देखो, एक ऐसा विकास जो सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, विशिष्ट क्रियाओं को करने से पहले बालक जो है सामान्य क्रियाओं को करने लगता है। जैसे अगर मैंने कहा वस्तु को हाथ में पकड़ने से पहले वह उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाने की चेष्टा करता है, तो ये क्या है कि किसी भी क्रिया को वो पूरा कर रहा है, तो उससे पहले वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। इस प्रकार शैशवावस्था के प्रारंभ में जब बालक रोता है, उसका पूरा शरीर, हाथ, पैर, सर, उसमें सभी शामिल होते हैं। बाद में विकास के द्वारा होने पर यह रोना विशिष्ट हो जाता है। रोते समय केवल उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तथा उसका जो है गला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर बच्चा हाथ, पैर, सर सब कुछ हिलाएगा रोते हुए, और जैसे ही वो फिर मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद में जो है वो सिर्फ आंखों से आंसू निकालेगा और सिर्फ आवाज़ निकालेगा गले से, बाकी वो बिल्कुल सेम वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है,
अब विकास के सभी तत्वों में परस्पर संबंध होता है। तो विकास के जितने भी पहलू हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या सामाजिक हो, या भाषिक हो, यानी कि शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या सामाजिक विकास हो, या फिर भाषिक विकास हो, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब बालक जो है, यदि अगर शारीरिक विकास होता है तो उसके साथ में उसका मानसिक, सामाजिक आदि सब भी विकास हो रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले केवल शारीरिक विकास होगा, अब बाद में दूसरी तरह का विकास होगा। ये नहीं होगा कि भाई ये पहले बच्चा बड़ा हो गया, उसके बाद में इसमें बुद्धि आई है। वो सेम एक एक पैटर्न पे चलती है। उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि जिन बालकों की बुद्धि का स्तर जो है वो बहुत कम होता है, वे बालक मानसिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से काफ़ी आगे होते हैं। इनके विपरीत यदि विकास की किसी एक पहलू में कमी होगी तो वो विकास के दूसरे पहलू की प्रगति के अंदर भी क्या डाल देगी, बाधा डाल देगी, उसमें भी रुकावट डाल देगी। फिर मानव विकास के अध्ययन का जो शैक्षिक महत्व है, यानी कि जो मानव विकास है इसका जो अध्ययन है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि विकास के उपरोक्त नियमों को पढ़ने के बाद में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नियम जो है शैक्षणिक दृष्टिकोण से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनसे पता चलता है कि जो गति है विकास की, वो मात्रा सभी बालकों में एक समान नहीं होती, यानी कि सबकी अलग अलग डेवलपमेंट की जो क्राइटेरिया है वो सबका अलग अलग है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमें सभी बालकों में एक जैसे विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सभी व्यक्ति और सभी बच्चे जो है एक जैसे होंगे, बल्कि किसी में किसी चीज़ की विशेषता होगी, किसी में किसी चीज़ की विशेषता होगी, ठीक है ना। तो बालकों के विकास की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेने से हमें ये सहायता मिलती है कि उनकी आवश्यकता से अधिक या कम आशाएं ना लगाएं। अगर आपको पता है कि भाई कोई बच्चा पहले से ही कमज़ोर है, तो आपको पता है ना कि भविष्य में जो है कुछ ज़्यादा ब्रिलियंट तो नहीं हो जाएगा, तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उसको हम समझा सकते हैं चीज़ों को। विकास के दिशा संबंधी नियम ये दर्शाते हैं कि विकास में बच्चों में विकास से संबंधित कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इस दिशा में विकास जिस रूप में होना चाहिए, बालक का विकास उस विशेष अवस्था या आयु में हो रहा है या नहीं, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। विकास के जो सभी पहलू हैं, जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, भाषिक विकास, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इनका संबंध एक दूसरे से है, और इस बात को ध्यान में रखकर हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। हम किसी भी एक पहलू को अनदेखा कर विकास के दूसरे पहलू में हो रही प्रगति में बाधा का कारण बन सकते हैं। इस बात का ज्ञान हमें परस्पर संबंध के नियम द्वारा पता चलता है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट दिया गया है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही मिलकर बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें बालक के वातावरण में आवश्यक सुधार लाना चाहिए, क्योंकि जैसा उसका एटमोसफेयर होगा, बच्चा वैसी तरीके से अपने आप को विकसित करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब जो उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, देखो मानव विकास से आप क्या समझते हो, ये तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मानव के विकास में उसकी प्रगति पोषण की क्या भूमिका है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप आराम से इजीली कर सकते हो। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।